भी छात्रों, कक्षा 12वीं व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी इकाई 5 अध्याय 9 के अंतर्गत हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे नियुक्तिकरण एवं उसकी प्रक्रिया। तो सामान्य तौर पर हम जैसे देखते हैं कि किसी भी प्रकार के संगठन, उन सभी संगठनों में जो हैं कर्मचारी अधिकारी कार्य करते हैं, उस संगठन के नीति निर्देश के अनुसार उन कर्मचारियों की, उन अधिकारियों की नियुक्ति करना, ताकि वे उस संगठन के उद्देश्य के अनुरूप बेहतर से बेहतर कार्य करके उस संगठन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके। तो संगठन में, एक संगठन में अधिकारी और कर्मचारियों से कार्य कराने के लिए उनको नियुक्त करना, उनको डिप्यूट करना, उनको काम सौंपना नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वो मानव संसाधन प्रबंध और भर्ती और चयन के रूप में है। अर्थात नियुक्तिकरण जो है एक प्रकार का क्या है, ये मानव संसाधन प्रबंध है। और वहीं दूसरी ओर ये जो यहाँ पर व्यक्तियों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो नियुक्त किया जाता है, उनकी जो भर्ती की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उनका चयन हम कार्य के अनुरूप किस प्रकार से करते हैं, इस अध्याय के अंतर्गत हम यहाँ देखेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पर नियुक्तिकरण से आशय हम यह देखते हैं कि किसी संगठन संरचना के ऐसे प्रबंध से जिसमें कर्मचारियों को उपयुक्त एवं प्रभावी मूल्यांकन तथा विकास से उन्हें संगठन में उचित भूमिका निभाने योग्य बनाया जाता है। तो यहाँ पर साधारण शब्दों में जो है नियुक्तिकरण से या स्टाफिंग से जो है किसी पद पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करना और उससे कार्य को लेना। तो यहाँ पर जो है नियुक्तिकरण के अंतर्गत यहाँ पर किसी भी संगठन संरचना में ऐसी एक प्रबंधकीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम कर्मचारी का उपयुक्त रूप से प्रभावी चयन करते हैं, कर्मचारी के कार्यों का वास्तव में मूल्यांकन करते हैं, उसको प्रशिक्षित करते हैं, उसका विकास करते हैं, ताकि वो संगठन में उचित भूमिका निभाने योग्य बन सके। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि जिस अधिकारी या कर्मचारी को हम उस संगठन में, उस संस्था में लाते हैं, उस कर्मचारी संगठन कर्मचारी का हम जो है उपयुक्त रूप से उसका प्रभावी चयन करते हैं, उसका प्रॉपरली मूल्यांकन करते हैं, उसको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, ताकि वो यहाँ पर संगठन के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की जो उसकी भूमिका होना चाहिए उसको वो बेहतर ढंग से निभा सके। यहाँ पर गैरी डेसलर के अनुसार नियुक्तिकरण में कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं विकास सम्मिलित। तो जब हम नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पाते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, उसके बाद कार्य के अनुरूप उनका हम चयन करते हैं, तो भर्ती एवं चयन, फिर कार्य से संबंधित उन्हें हम क्या प्रदान करते हैं, प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, किस प्रकार से उन्हें कार्य करना है, साथ ही जो कार्य उनको सौंपा गया है उसका हम मूल्यांकन भी करते हैं, और साथ ही विकास, डेवलपमेंट, उस अधिकारी, उस कर्मचारी को मानसिक तौर पर का हम विकास करते हैं प्रशिक्षण और शिक्षण के द्वारा। ये जो है नियुक्तिकरण जो है प्रबंध का क्या है, एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। पूर्व में ये कार्य जो है संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता था, लेकिन अब वर्तमान में जो है इसके लिए नियुक्तिकरण के लिए एक पृथक से प्रबंध की कार्य के रूप में इसको अलग से माना गया है। तो यहाँ इस प्रकार से हम देखते हैं
कि नियुक्तिकरण के कार्य में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो एक व्यक्ति को किसी संगठन में कार्य पर लगाती हैं। तो जिसको हम यहाँ पर नियुक्त करते हैं उनके लिए जो है उस व्यक्ति को संगठन के कार्य में लगाते हैं, वे संगठन की सभी क्रियाओं को करने में सक्षम होते हैं। इसमें व्यक्ति की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विभाग प्रशिक्षण और विभाग से परिचय और मूल्यांकन जो है ये सभी कार्य इसके अंतर्गत सम्मिलित होते। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि नियुक्तिकरण से तात्पर्य किसी पद के लिए किसी योग्य व्यक्ति का चयन करना नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखेंगे नियुक्तिकरण की विशेषता। प्रबंध के अंतर्गत नियुक्तिकरण जो है वर्तमान में एक अलग से प्रबंध की कार्य के रूप में माना गया। पूर्व में संगठन का एक भाग था, वर्तमान में ये एक पृथक कार्य माना जाता है। तो प्रबंध जो है, प्रबंध का ये क्या था, एक वर्तमान स्थिति में अब एक अलग से ये कार्य बन गया है। पूर्व में ये संगठन का ही कार्य माना जाता है। फिर नियुक्तिकरण की विशेषताओं में दूसरा जो है सभी स्तर पर आवश्यक, अर्थात जो प्रबंध के स्तर है, तीन स्तर है इसके, शीर्षस्थ, दूसरा मध्यम स्तर, तीसरा निम्न श्रेणी या प्रथम श्रेणी। प्रबंध इन तीनों स्तर पर नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है, अर्थात महाप्रबंधक जो है प्रबंधक पद के लिए जो उपयुक्त व्यक्ति उनका चयन करता है, प्रबंधक विभिन्न विभागीय प्रबंधकों का चयन करता है, इसी प्रकार से विभागीय प्रबंधक के नीचे जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका चयन भी जो है प्रबंधकों के द्वारा किया जाता। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी स्तरों पर नियुक्तिकरण की हमें आवश्यकता पड़ती है। और इसके बाद जो है एक सतत प्रक्रिया, नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है। इसमें नियोजन, चयन, प्रशिक्षण, विकास एवं मूल्यांकन के रूप में ये सतत रूप से लगातार चलती रहती है, नियोजन के रूप में और संगठन में, मूल्यांकन में, अनवरत रूप से जो है एक ये प्रक्रिया के रूप में निरंतर रूप से चलती रहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मानवीय तत्व, यहाँ पर जो है नियुक्तिकरण का जो संबंध है किससे है, मानवीय तत्व से। अर्थात इसमें नियुक्त जो है मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत नियुक्तिकरण की प्रक्रिया को अपना, यहाँ पर मानवीय संसाधनों का जो है बेहतर से बेहतर ढंग से उपयोग करना नियुक्तिकरण के माध्यम से संभव होता है। फिर इसके बाद हम बात करें सामाजिक दायित्वों की, तो ये जो इसका जो सामाजिक दायित्व है इसके अंतर्गत सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक घटक जो है वो प्रभावित होते हैं, सामाजिक एवं
मनोवैज्ञानिक घटक इसके बाद नियुक्तिकरण जो है एक प्रकार का क्या है, अदृश्य कार्य है। अदृश्य कार्य इसलिए है ये कि जिस कार्य विशेष के लिए हमने जिनको नियुक्त किया है उसकी सफलता या उसकी असफलता उसके कार्य के निष्पादन के दौरान ही हमें चलती है। तो यहाँ पर जो है ये अदृश्य कार्य इसलिए है कि ये सफलता या असफलता जो है वो भावी परिणाम से जुड़ी हुई है, अर्थात भविष्य में जो हमें परिणाम प्राप्त होंगे से जुड़ी हुई है भावी परिणाम से, भावी परिणाम से जुड़ी है। तो इसलिए ये क्या है, अदृश्य कार्य है। यह हमारे सामने है नियुक्तिकरण की आवश्यकता व महत्व। इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है? तो किसी भी उपक्रम की सफलता के लिए कर्मचारी नियुक्ति का जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। उपक्रम की समस्त क्रियाएं जैसे उत्पादन, विपणन, माल का क्रय विक्रय आदि मनुष्यों द्वारा ही संपन्न की जाती हैं। वास्तव में मानवीय संसाधन जो है, मानवीय साधन जो है वो क्या है, एक प्रकार का सक्रिय साधन है। अतः उपक्रम की इन सभी क्रियाओं को जो अभी हमने बताई, उत्पादन हो गई या विपणन हो गए, माल का क्रय विक्रय हो गया, ये सभी क्रियाएं जो हैं इनके कुशलतापूर्वक संचालन के लिए और मशीनों और तकनीकों से भी कहीं इनका अधिक महत्व होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि नियुक्तिकरण की आवश्यकता किन बिंदुओं के आधार पर या इसका महत्व किन बिंदुओं के आधार पर है। तो सबसे पहला है योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता। तो नियुक्तिकरण के माध्यम से हम उपक्रम के अनुरूप जो आवश्यक श्रम प्रबंधन की हमें जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप हम कर्मचारियों का भर्ती करते हैं, उनका हम चयन करते हैं। तो नियुक्तिकरण के माध्यम से हमें यहाँ पर जो है कुशल एवं अकुशल, कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों अर्थात यहाँ पर कि किस प्रकार के हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है उसमें से हम उनको छांट के जो है योग्य कर्मचारियों की हमें आवश्यकता है हम उसको प्राप्त कर। दूसरा यहाँ पर जो है मानव शक्ति का अनुकूलतम उपयोग। मानव शक्ति के उनको अनुकूलतम उपयोग से संभव है यहाँ पर कि हमें उपक्रम के अनुसार जितनी कर्मचारियों की जितने अधिकारियों की आवश्यकता है उसके अनुरूप जो है हम उनकी संख्या का अनुमान लगाते हैं और फिर उसके अनुसार हम बेहतर से बेहतर उनका उपयोग करने का प्रयास करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अनुकूलतम उपयोग होने से जो है प्रति इकाई उत्पादन लागत जो है, प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाती। तो यहाँ मानव शक्ति का जो है हम पुरुष से अंदाज लगा लेते हैं कितनी मात्रा में हमें लोगों की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम उतने लोगों को रख के उसका हम बेहतर से बेहतर उपयोग करते हैं, फलस्वरूप हमारे उत्पादन की मात्रा क्या है बढ़ जाती है और प्रति इकाई जो उत्पादन लागत है वो क्या होती है कम हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखें कि कार्य विशेष पर उपयुक्त नियुक्तिकरण के अंतर्गत हमारे पास जिस प्रकार का कार्य है
उसके अनुरूप हम उपयुक्त व्यक्ति का यहाँ पर चयन करते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा कार्य विशेष के लिए उपयुक्त व्यक्ति, वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा उपयुक्त व्यक्ति तो यहाँ पर जो है कार्य विशेष के लिए किस प्रकार के कार्य के लिए किस प्रकार के व्यक्ति की हमें आवश्यकता है, तो उस उपयुक्त व्यक्ति का हम यहाँ पर चयन कर लेते हैं। फिर इसके बाद बिंदु है जो हमारे पास नवीन तकनीक का प्रयोग संभव। वर्तमान स्थिति में जो है टेक्नोलॉजी में तकनीक में निरंतर लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, इस स्थिति में हमें विभिन्न नए नए प्रकार के शिक्षण और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो नियुक्तिकरण के माध्यम से हम यहाँ पर नई नई तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो है हम इसमें जो है कुशल एवं योग्य कर्मचारियों की भर्ती कर लेते हैं, कुशल एवं योग्य कर्मचारियों एवं योग्य कर्मचारियों को प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कुशल प्रबंधकों की आपूर्ति। नियुक्तिकरण के माध्यम से उच्च स्तर पर भी मध्यम स्तर पर भी हमें जो बेहतर से बेहतर प्रबंधकों की आवश्यकता है उनकी हम भावी आवश्यकता के अनुसार, भविष्य में जैसी हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार हम कुशल प्रबंधकों की आपूर्ति कर सकते हैं। फिर वहीं कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। नियुक्तिकरण के माध्यम से कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप उनका चयन किया जाता है, उनको भर्ती किया जाता है, तो उनको भी उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने को वहाँ पर प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से उनके मनोबल में वृद्धि होती है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो इन बिंदुओं के आधार पर हमने देखा कि नियुक्तिकरण की जो आवश्यकता है, जो उसका महत्व है, योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता होती है इससे प्राप्त होते हैं, मानव शक्ति का जो है बेहतर से बेहतर ढंग से हम उपयोग करते हैं, फिर कार्य विशेष पर हम उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करते हैं, साथ ही नई तकनीक का प्रयोग हम कर लेते हैं, कुशल प्रबंधकों की आपूर्ति उसके माध्यम से करते हैं, साथ ही कर्मचारियों के मनोबल में क्या होती है नियुक्तिकरण के माध्यम से। यहाँ हमारे सामने है नियुक्तिकरण के चरण। नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वो किस क्रम में आगे बढ़ती, जब हमें एक संस्था में क्रम में कर्मचारियों की अधिकारियों की भर्ती करना हो तो भर्ती के जो क्रमश है चरण है या कदम है कि किन किन स्थितियों के बाद हम एक कर्मचारी की अधिकारियों की भर्ती करते हैं, तो सबसे पहला इसमें जो है मानव शक्ति का पूर्वानुमान लगा, अर्थात उपक्रम के उद्देश्य के अनुरूप हमें यह तय करना होता है कि कितनी मात्रा में हमें स्टाफ की जरूरत है, कितने अधिकारियों की जरूरत है, कितने कर्मचारियों की जरूरत है। जब हमने ये तय कर लिया कि कितने कर्मचारियों की कितने अधिकारियों की जरूरत है, उस हिसाब से हम पहले उपक्रम के अंदर जो पदस्थ अधिकारी या पदस्थ कर्मचारी उनको देखते हैं, यदि उनके द्वारा हम वो काम कार्य को करा सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है टोटल उपक्रम में कार्य को पूरा कराने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी अधिकारी और कर्मचारी के रूप में, उसका हमें क्या करना है यहाँ पर पूर्वानुमान लगाना। मानव शक्ति यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी की आवश्यकता। कितनी कर्मचारी अधिकारियों की आवश्यकता है ये हम इसका क्या लगाते हैं पूर्वानुमान लगा लेते हैं। दूसरा बिंदु आता है कार्य विश्लेषण। नियुक्तिकरण का जो दूसरा ये चरण है
तो आप ध्यान दें, नियुक्तिकरण का यह दूसरा चरण कहलाता है। इसके अंतर्गत हम जो है विशिष्ट कार्यों की क्रियाओं एवं उत्तरदायित्व से संबंधित सूचनाओं को क्या करते हैं, एकत्रीकरण करते हैं। अर्थात उपक्रम के अंतर्गत ऐसे कौन से विशिष्ट कार्य हैं और विशिष्ट उपक्रम की जो दायित्व है किस प्रकार के हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। फिर कार्य विश्लेषण के बाद हम इन दो बिंदुओं पर कार्य करते हैं, कार्य विवरण और कार्य निर्देशन। कार्य विवरण हमें यह बताता है कि कार्य से संबंधित कौन कौन से मुख्य बातें हैं और कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, अर्थात उपक्रम में किस प्रकार के कार्य हैं और किस प्रकार के उपक्रम के दायित्व, इनका वर्णन किया। फिर दूसरा जो है कार्य निर्देशन। कार्य निर्देशन ये कार्य विशेष को करने के लिए किस प्रकार की योग्यता, विशिष्ट अनुभव, कार्य कुशलता, निपुणता आदि की आवश्यकता है ये बताता है। तो कार्य निर्देशन हमें ये बताता है कि उस विशिष्ट कार्य को करने के लिए किस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति चाहिए, किस प्रकार के विशिष्ट अनुभव वाले व्यक्ति हों, कार्य कुशल व्यक्ति हों, किस प्रकार की उनमें निपुणता हो, ये कार्य निर्देशन के अंतर्गत बताया जाता है। अगला बिंदु जो है फिर इसके पश्चात जो आता है वो है तीसरा चरण, भर्ती एवं चयन। ये तीसरा चरण कहलाता है, तीसरा चरण भर्ती एवं चयन। तो जो भी बताया कि भर्ती एवं चयन क्या है, कार्य विशेष के लिए योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, उपक्रम के उद्देश्य के अनुरूप जो हमारे मुख्य कार्य है उस कार्य के लिए योग्य व्यक्तियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। अब ये योग्य व्यक्तियों की जो उपलब्धता है वो उपक्रम के अंदर से भी हो सकती है या उपक्रम के बाहर अन्य संस्थाओं से भी हो सकती है या फिर विभिन्न शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से इनकी पूर्ति हो सकती है। तो इनकी पूर्ति के लिए जो है आवेदन पत्र के माध्यम से भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया का प्रारंभ यहाँ पर किया जाता है। तीसरा जो चरण है उसका भर्ती एवं चयन का चरण। चौथा है प्रशिक्षण एवं विकास। प्रशिक्षण और विकास एक कर्मचारी को उसके कार्य के अनुरूप बनाने के लिए ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण और विकास। तो इसमें जो है कार्य विशेष के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है कि कार्य को किस प्रकार से किया जाना है, साथ ही प्रशिक्षण के साथ योग्य कर्मचारियों को अधिक महत्वपूर्ण दायित्व संभालने के लिए एक ऐसा वातावरण दिया जाता है कि उनमें ज्ञान व योग्यता का विकास हो सके। तो यहाँ पर जब कर्मचारी को पर्टिकुलर किसी कार्य के लिए उससे कार्य से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और प्रशिक्षण के साथ उस कर्मचारी को महत्वपूर्ण दायित्व संभालने की भी जिम्मेदारी दी जाती है, तो निश्चित है कि उस व्यक्ति के ज्ञान में, उसकी योग्यता में उसका विकास होता है। तो चौथा बिंदु जो है यहाँ पर नियुक्तिकरण का वो है प्रशिक्षण एवं विकास। ये चतुर्थ चरण कहलाता है, चतुर्थ चरण नियुक्तिकरण का यह चतुर्थ चरण है। इसके बाद निष्पादन एवं मूल्यांकन, ये नियुक्तिकरण की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसमें कर्मचारी के कार्य का निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर हमने भर्ती किया, चयन व्यक्ति को चयनित किया, उसका प्रशिक्षण दिया, उसका डेवलपमेंट किया, जो उसको कार्य हमने सौंपे थे अब उनका यहाँ पर निष्पादन एवं मूल्यांकन। तो ये नियुक्ति प्रकरण की प्रक्रिया का क्या है, अंतिम चरण है। इसमें कर्मचारी को जो सौंपे गए कार्य हैं उस कार्य का निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है, उस कर्मचारी के द्वारा जो कार्य उसको सौंपे गए थे उसने किस प्रकार से उसको किया है। तो यहाँ पर कार्य विश्लेषण के अंतर्गत
ये बातें सामने आती हैं कि व्यक्ति कार्य के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं, ये देखना। इसके लिए हम अपनाते हैं निष्पादन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के जो चरण हैं वो क्रमशः सबसे पहले मानव शक्ति का पूर्वानुमान लगाना है, दूसरा कार्य का विश्लेषण करना है, विश्लेषण के अंतर्गत हमें कार्य विवरण तैयार करना है, कार्य निर्देशन तैयार करना है, उसके पश्चात फिर उस कार्य निर्देशन और कार्य विवरण के अनुसार योग्य व्यक्ति के लिए उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम भर्ती एवं चयन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, ये तीसरा चरण है। फिर इसके बाद जो भर्ती और चयनित कर्मचारी अधिकारी हैं उनको हम प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से उनकी ज्ञान व योग्यता में विकास करते हैं, और उसके पश्चात जो कार्य उनको सौंपे गए हैं उनका निष्पादन एवं मूल्यांकन करते हैं। इससे हम ये पता लगाते हैं कि व्यक्ति कार्य के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। तो इस प्रकार से ये जो हमने देखे नियुक्तिकरण की प्रक्रिया के चरण।